पौरी विधानसभा एक ग्रामीण इलाका है, जिसमें कई ऐसे इलाके थे जहां पर विद्युत के लिए आज भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तत्काल 28 गांव के लिए 2,78,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। मेरे क्षेत्र में जलवर्धन योजना के तहत नल जल योजना का काम चालू है। मैंने रिकॉर्ड तोड़ रोड़ों को यहाँ लेके आया, 116 रोड है तो मैं नई स्वीकृत करा के लाया, वो काम स्टार्ट नहीं किया, मैंने डम्बर डाल के जनता को सुपुर्द कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की पौरी विधानसभा में विकास के कई आयाम स्थापित हो चुके हैं। लगातार पौरी में कई योजनाओं को लेकर क्रियान्वयन जारी है। कई ऐसे इलाके थे, पौरी विधानसभा एक ग्रामीण इलाका है, जिसमें कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर विद्युत के लिए आज भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती थी। कुछ समय से आप लगातार जद्दोजहद कर रहे थे उस चीज़ के लिए, क्या लग रहा है आपको, आप क्या स्थितियाँ वहाँ पे, कुछ कुछ योजनाओं को लेकर आप आना चाहते, क्या हुआ है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कार्यालय में आके और मेरे क्षेत्र की जानकारी चाही। मैं जब विधायक बना था और जब गाँव में दौड़ा करने जाता था तो हर गाँव में एक समस्या थी, कहीं टोले बन गए, कहीं बाहर रहने लगे, तो लोगों की बड़ी दिक्कत थी, लाइट जा ही नहीं पा रही थी, लाइट थी नहीं। तो ऐसे करीब करीब मेरे क्षेत्र में 28-29 गांव ऐसे थे। तो मैं समय समय पर इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और हम सब के नेता श्रीमद महाराज ज्योतिर सिंधिया जी को अवगत कराता रहता। उन्होंने पौरी जनता की पुकार को सुना और तत्काल 28 गांव के लिए 2,78,00,000 रुपये स्वीकृत किए हैं और तत्काल कल से क्षेत्र में सर्वे का काम मैंने चालू करा दिया, जिससे ऐसा कोई गांव टपरा मोहल्ला नहीं रहेगा जिस गांव में लाइट नहीं मिलेगी, सबके यहाँ लाइट जाएगी। ये मेरा प्रयास भी था, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अभी एक भी गांव बगैर लाइट का मेरे क्षेत्र में नहीं रहेगा। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो बिजली और पानी एक मूलभूत सुविधाओं में आता है। बिजली की तो स्थिति सुधर रही है और लगातार आपके बाकी सारे, अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा आपका कहना है कि जहाँ पर लाइट नहीं रहेगी, लेकिन पानी के लिए अभी भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की स्थितियाँ को लेकर, नल जल योजनाओं को लेकर लागू तो हो रही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं राशि की समस्या, कहीं कुछ, क्या लग रहा है आप, जो कुछ आपके क्षेत्र बचे थे उनमें क्या स्थितियाँ हैं? मेरे क्षेत्र में जलवर्धन योजना के तहत नल जल योजना का काम चालू है। हर गांव में हमने टंकियां बनवाई हैं और मरीखेड़ा का पानी ला के हम फिल्टर पानी अपने लोगों को पिलाएंगे। कुछ गांव फिर भी छूट गए थे, 40-42 ऐसे गांव थे वो छूट गए थे, तो वो भी मैंने प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को दिया, आदि मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और हम सब के नेता सुमित सिंधिया जी को मैंने अवगत कराया। उन्होंने मेरी बात को सुना और जो भी गाँव छूट गए हैं उनके लिए 26 करोड़ रुपये उन्होंने स्वीकृत करके भेज दिए हैं। बहुत जल्दी मैं उनका भूमि पूजन करने वाला हूँ, जिससे हर गांव में टंकी बनेगी और भी एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा कि वहाँ हम पानी नहीं दे पाएंगे। फिल्टर पानी हम सबको पब्लिक को पिलाएंगे, जिससे क्षेत्र की जनता भी जय जयकार हम सब नेतन की करेगी, क्योंकि श्रीमद सिंधिया जी का और श्रम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का सदैव ध्यान पौरी की ओर अधिक रहा, इसलिए मैंने जो जो मांगा वो सारी योजना की उन्होंने पूर्ति की। लगातार, क्योंकि आप PWD मंत्री हैं, लगातार रोडों को लेकर भी आपकी बात आती रहती है। आज से अगर 2018 से पहले की बात की जाए तो क्षेत्र में रोडों की बहुत भारी समस्या थी, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। आपके कार्यकाल में मैं ये जानना चाह रहा हूँ लगभग कितनी रोडों का निर्माण हुआ और कितना विकास कार्य आपने रोडों के मामले में किया, क्योंकि आप पीडब्ल्यू डी राज्य मंत्री रहे और आपके निर्देशन में रोडों का निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में हुआ, तो आपके क्षेत्र में कितनी रोडों का निर्माण हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले चले जाओ तो ना तो ये पता लगता ये रोड है या गड्ढा, गड्ढे में रोड थी और रोड में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं लग पाता, लोग पैदल नहीं चल पाते थे, बाइक नहीं चला पाते थे, फोर व्हीलर गाड़ी नहीं चल पाती थी। जब मैं विधायक बना और सरमंत की कृपा से मुझे ये विभाग मिला, मैंने रिकॉर्ड तोड़ रोडों को यहाँ लेके आया, 116 रोड है तो मैं नई स्वीकृत करा के लाया, वो काम स्टार्ट नहीं किया, मैंने डम्बर डाल के और जनता को सुपुर्द कर दिए हैं। मेरे क्षेत्र में 66 रोड हैं ऐसी थी जो टूटी फूटी हो गई थी, तो उन पर पुनः मैंने डम्बीकरण करा के जनता के हैंडओवर कर दिया। पानी की आप बात करते हो तो सकुला डैम कभी है बन नहीं पाता, मैं कह रहा हूँ जिस सिंधिया जी की देन है और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की, जो कि ये योजना हमने चालू कराई,
वन विभाग से अनुमति नहीं मिल पा रही थी। 3 बार वन मंत्री के पास श्रीमंत सिंधिया जी को जाना पड़ा, उसकी अनुमति हम लेके आए और 326 करोड़ का डैम बना के वहाँ पोरी को दे रहे हैं, जिससे हमेशा के लिए पोरी की पानी की समस्या से निजात मिलेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लगभग 79 सीटों पर लगातार 3 सीटों में जारी हो चुकी हैं, 79 टिकट हो चुके हैं। अपने क्षेत्र से उतारा जा सकता है शिवपुरी ग्वालियर तमाम जगह से, तो क्या लगता है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास और सब पर विश्वास। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग कार्यकर्ता होता है और पार्टी जो भी निर्णय करती है उसको सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, उस निर्णय को मानते हैं, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो। क्योंकि हम बाहर से प्रत्याशी तो नहीं लाए, आज उत्तर प्रदेश से लाते तो ये उत्तर बाहर का प्रत्याशी लाए, आज हम हरियाणा से लाते तो हरियाणा के प्रत्याशी, अरे हमारे मध्य प्रदेश के प्रत्याशी हैं और उन्हीं क्षेत्र से वो लोकसभा में गए हैं, इसलिए हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं और वो तो जीतेंगे और साथ साथ आस पास की सीटें भी हम जीतेंगे। अब जो हमने वादा किया था कि इस साल 200 पार, अब मैं विश्वास से आपसे कह सकता हूँ इस साल हम उससे 200 पार जाए। तो आपने देखा, ये थे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा जी, लगातार क्षेत्र के विकास के साथ भाजपा सरकार की उपलब्धियां उन्होंने बताई, अपने क्षेत्र के विकास के कार्य बताए, चुनावी बिगुल मध्य प्रदेश में बज चुका है और क्षेत्र में 200 पार के लक्ष्य के साथ इस बार जीतने के आश्वासन भी मिले। मैं जरा सक्सेना शिवपुरी।